एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा तो हम टिंकरकैड में क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक कर लेते हैं। अब मैंने क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करा तो ये नया प्रोजेक्ट खुल गया। अब हम यहाँ पे मटेरियल ले लेते हैं। यहाँ पे हमको लेना है एलईडी, एक रेजिस्टर, हमको लेना है एक बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी, ब्रेडबोर्ड, हमको लेना है एक रेगुलेटर। मैंने यहाँ पे एलईडी गलती से नॉर्मल वाली एलईडी ले ली। एलईडी हमको लेनी है यहाँ पे RGB, ये RGB एलईडी आ गई। अब हम वायरिंग कर लेते हैं। पहले इसको साइड में कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। अब हम अपनी बैटरी को, अब हम अपने रेगुलेटर लगाएंगे यहाँ पे। बैटरी को थोड़ी और पास कर लेंगे और साइज थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को हम अपने रेगुलेटर के फर्स्ट टर्मिनल से लगा देंगे, नेगेटिव को हम सेकेंड टर्मिनल से लगा देंगे, और इसके सेकेंड वाले टर्मिनल के एक होल को हम माइनस में लगा देंगे, ग्राउंड पे लगा देंगे, और आउट का एक टर्मिनल हम पॉजिटिव में लगा देंगे ऊपर वाले। अब हमको यहाँ से हमको लगाना है यहाँ पे RGB LED। LED मैंने लगाई है ये 14 पे लगाई है मैंने LED। तो अब हमको इसका जो ये जो सेकंड पेन है ना कैथोड, हमको कैथोड पे लगाना है रजिस्टर। रजिस्टर कनेक्ट होना चाहिए नीचे वाली एक पिन से। इसकी वैल्यू कर देंगे हम 220 ओम्स। 220 कर दिया। अब इसको ओम्स कर लेते हैं। अब हमको एक स्लाइड स्विच भी लेना है, यहाँ पर ले लेते हैं हम एक स्लाइड स्विच। स्लाइड स्विच को हमें कनेक्ट करना है 25th होल। अब हम इस पे ग्लो करवा रहे हैं रेड। तो जो हमारी RGB LED का जो रेड वाला टर्मिनल है, रेड जो फर्स्ट टर्मिनल है उसका, वो वाला टर्मिनल को हमें लगाना है अपने स्लाइड स्विच के सेकंड होल में। हम यहाँ पर क्लिक करके इसमें बीच में गैप डाल देते हैं थोड़ा। और अब हम इसके फर्स्ट होल को कनेक्ट कर देते हैं ऊपर पॉजिटिव में। यहाँ से रोटेट करके ले जाएंगे, फर्स्ट होल को कनेक्ट कर दिया हमने पॉजिटिव से। अब हम अपने रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे माइनस टर्मिनल से। अब हमने इतना कर लिया। अब हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं तो ये रेड ग्लो हो रहा है। अब हम इसमें ग्लो करवाते हैं ब्लू। ये जो वायर है, वायर को हम ब्लू वाले होल में लगा लेंगे। वायर को यहीं से पकड़ के यहाँ पे लगा देंगे तो ये ब्लू चल रहा है। अब हम इसमें ग्लो करवाते हैं ग्रीन, करते हैं स्टार्ट सिमुलेशन। अब यहाँ पे ग्रीन ग्लो हो रहा है। अब हम इसमें एक और कलर ग्लो करवाते हैं। हम अपने स्लाइड स्विच को कर लेते हैं थोड़ा ऊपर रख देते हैं और सेकेंड टर्मिनल पे लगा देते हैं अपना रेड वाला टर्मिनल। तो उससे ये बन गया है येलो। अब जो हमने ये ग्रीन पे लगाया था उसको हम ब्लू वाले पे लगा के देखते हैं तो ये पर्पल कलर बन गया। अब हम अपने रेड को लगा के देखते हैं, तो रेड को हम लगा के देख लेते हैं ग्रीन पे। ग्रीन और ब्लू का आ रहा है लाइट ब्लू। ऐसे हम और भी इतने कलर ग्लो करवा सकते हैं। अगर मैं सारे कनेक्ट कर दूंगा तब इस पे वाइट ग्लो हो जाएगा क्योंकि सारे कलर मिक्स होकर इसमें वाइट हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आइकन भी दबा देना मेरे लेटेस्ट वीडियोस के लिए।
करके भी मेरे को ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसे लगी, और अगर आपने इस प्रोजेक्ट को बना कर देखा तो वो कैसा बना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।